तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट एक बहुत ज्यादा पीसफुल गेम है। मतलब इसमें कितनी ज्यादा शांति है, हम लोग इसमें वुड तोड़ते हैं, थोड़ा सा सामान बनाते हैं, फिर घर बनाते हैं, उसके बाद एंडर ड्रैगन को खत्म कर देते हैं इजीली। बहुत सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन माइनक्राफ्ट के डार्क फैक्ट्स आप लोगों को बहुत कम ही पता होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ये जो एंटिटी 303 है, नल और हीरोब्रांड, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्रीपी वास्ता पता चलती हैं। तो मैंने भी आज क्रीपी वास्ता पे कुछ बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज को देखा है जो कि आज तक सॉल्व नहीं कर पाया कोई। तो उनमें से सबसे पहली मिस्ट्री आती है ये विलर की। ये हाँ, यही विलर आप लोगों को दिख रहा होगा। और क्या आप लोगों को पता है कि व्हाइट एंडरमैन नाम की भी एक चीज है? हाँ, ये देख रहे हो आप, यही व्हाइट एंडरमैन है। तो गाइस आज वाली वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी मिस्ट्रीज को देखने वाले हैं, और अपने पॉपकॉर्न वगैरह हाथों में ले लो और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहली मिस्ट्री आती है एक कैरेक्टर के बारे में। ये कैरेक्टर मतलब गेम का भी कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक एंटिटी कह लो, इसका नाम है विलर। और ये विलर एक विलेजर है। तो कुछ 7 साल पहले दो दोस्तों ने गेम ज्वाइन करा था। अब वो लोग तो नॉर्मली एक सर्वाइवल अपना स्टार्ट करना चाहते थे, और उन दोनों दोस्तों को ये कुछ भी नहीं पता था इस वाले वर्ल्ड में कुछ ऐसा होने वाला है उनके साथ, जो अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा। और उसके बाद वो जो सिंपल काम करते हैं, वुड तोड़ने लगे और थोड़ा बहुत उन्होंने घर वर बनाया है। बट उसके बाद गाइस उनके पास एक मैसेज जिसमें लिखा था कि विलर ने टाइम सेट करा, बट उसको देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन दोनों के अलावा उस पूरे माइनक्राफ्ट के गेम में कोई भी नहीं था। बट उनके उसके बाद उन लोगों को लगा कि ये कोई लिच वगैरह होगा या कोई विलेजर वगैरह होगा, बट उन्हें ये नहीं पता था कि विलेजर्स कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनमें से एक प्लेयर को वो जो विलर है अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। टेलीपोर्ट करने के बाद गाइस जिसको उस विलर ने टेलीपोर्ट करा था वो अचानक से अजीब से मैसेजेस लिखने लगता है, और भाई उसको देख के उसका जो दोस्त है ना वो डर जाता है कि इसको क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दोस्त को भी अपने पास टेलीपोर्ट कर देता है, फिर कुछ ऐसे शक्ल दिखता है उस विलर की। उसके बाद गाइस उसका जो दोस्त है ना उसका गेम स्टक हो जाता है और क्रैश हो जाता है, फिर उसके बाद वो कभी भी उस गेम में ज्वाइन नहीं हो पाए। हम भी आज इस चीज को ट्राई करने वाले हैं, क्या विलर हमें दिखाई देता है, और विलर के लिए गाइस कोई सीट तो नहीं बन रखी है, बट जो मैंने क्रीपी पास्ता पे रीड करा था जिससे हमें विलर आसानी से मिल जाए, मतलब आसानी से तो नहीं मिलता है बट थोड़ा सा उसका पता चल जाएगा, ऐसी कोई सीट नहीं है, हम लोगों को बस एक विलेज वाली सीट देखनी पड़ेगी। तो चलो यार जल्दी से हम लोग वर्ल्ड बना लेते हैं। तो चलो यार जल्दी से हम लोग अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। वर्ल्ड का नाम हम लोग रखने वाले हैं विलर। इसको रखने से शायद हम लोग को विलर मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को पता नहीं अभी। और अलाउ चीट्स ऑन रख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सीट डालने वाले हैं जो है सबसे ज्यादा हॉन्टेड सीट, जो है 6, 6 एंड 6। तो चलो यार हम लोग जल्दी से अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके गाइस तो मैं यहाँ पर स्पॉन तो हो चुका हूँ, और मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग जब भी गेम में एंटर होते हैं ना तो हमेशा सनराइज होना चाहिए, बट ये तो रात हो रखी है यहाँ पर। और वेट, सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर मेरे को विलेज भी मिल गया, बट इस चीज में तो हमारा लक बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें विलेज मिल गया जल्दी से। चलो विलर को ढूंढने में आसानी होगी, और रात भी हो रखी है भाई, फुल मून है भाई, देख रहे हो? चलो छोड़ो छोड़ो, इसको हमें ध्यान ही देना पड़ेगा। हैं, व्हाट, ये पेड़, मैं व्हाट द भाई, अभी आया हूं मैं लिटरली, और ये पेड़ ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, चलो छोड़ो, इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें तो अपना सामान बनाना है जल्दी से। ओके घर में, ओके विलेजर है यहाँ पर, तो नॉर्मल विलेजर है, तो मैं जल्दी से सुबह कर लेता हूँ। ओके तो गाइस मैं उठ चुका हूँ, सुबह तो हो गई होगी। चलो क्या, मैं अभी जब सोया और रात ही है, सुबह हुई नहीं। चलो छोड़ो यार, अभी तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर क्या क्या हुए जा रहा है इस वर्ल्ड में, बट छोड़ो अभी जल्दी से हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। वुड हम लोग को माइन करनी है भाई, मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है लिटरली गाइस, ये पॉसिबल भी है? और ये हॉन्टेड सीड है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता है ये बहुत ज्यादा कर सीड है, इतनी ज्यादा हॉन्टेड है गाइस कि मैं जब भी स्पॉन होता हूँ ना तो कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा होता है। चलो छोड़ो, उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, अभी जल्दी से अपने टूल्स वगैरह बना लेते हैं। भाई पता नहीं किस बेचारे विलेजर का घर तोड़ दिया मैंने, बट छोड़ो। नहीं, ये एंडरपल कैसे आया यहाँ पर, और ये डल्ट कैसे आई, एंडरमैन अपने आप मर गया क्या भाई? पता नहीं क्या क्या हुए जा रहा है यहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट चलो ठीक है, मैं एंडरपल तो मिल गया फ्री का। तो यार अभी हम लोग सो जाते हैं, चलो हम लोग सोते हैं गाइस, सुबह में देखते हैं भाई क्या होता है, अभी तो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके तो गाइस सुबह हो चुकी है, चलो यार अभी तो ठीक है, सुबह हो गई भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मेरे को यार, सुबह नहीं हो रही थी भाई, मैं लिटरली रात ही, मैं अभी ये इसको क्या हुआ, शीप को क्या हो गया भाई, शीप कैसे घूमे जा रही है? हेलो शीप, बुआ क्या तेरे को, ये पागल वागल है क्या इस सीड में भाई, हर एक चीज़ उल्टी पुल्टी हो रही है, इसको मार देते हैं भाई।
तो गाइस यहाँ पर काफी देर हो चुकी है मेरे को और अभी कोई मेरे को विल्लर नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। आई होप दिखाई भी ना दे क्योंकि भाई पैंट गीली हो जाएगी विल्लर देखते ही। अभी मेरे को ऐसे चौड़ में बोल रहा हूँ, चलो इस आयरन गोलम को मार देते हैं। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर फिर से रात हो चुकी है, चलो यार फिर से सो जाते हैं, क्या करें। अभी 2 दिन हो चुके हैं, मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दिया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट चलो यार बैड लक है हमारा। और विलेजर भैया उठ जाइए, अभी हम सोते हैं। ओके तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है और चलो चलो बाहर चलते हैं जल्दी से। भाई क्या हो रहा है आज, कुछ दिखने वाला कि नहीं? आज भी नहीं लगता है मेरे को कुछ दिखाई देगा। वेट, विलेजर है वो, तो ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं, विलर थोड़ी ना आ जाएगा भाई। गाइस मैं काफ़ी देर से यहाँ घूम रहा हूँ बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर मेरे को कोई भी विलेजर क्यों दिखाई नहीं दे रहे। अभी जब मैं आया था इतने सारे विलेजर थे बट अभी तो सिर्फ एक ही दिखाई दिया। और विलेजर कहाँ है? मेरा बहम होगा गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे को विलर दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए मैं ज़्यादा ही सोचने में लगा हूँ। छोड़ो छोड़ो, ऐसे थोड़ी ना होता है, विलेजर ही गायब थोड़ी ना होते हैं। बट सच्ची में गायब हो गए। अरे भाई साहब विलेजर किधर गए, विलेजर किधर गए, एक भी विलेजर दिखाई नहीं दे रहा उसके अलावा उस घर में है जो। नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो विलर नहीं है जो उस घर में है भाई। उसने करा क्या? और ये वेट, थोड़ा सा मेरी अभी फट रही है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि ये विलर ही है ना। ओके तो गाइस अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी जल्दी से मैं सो जाता हूँ। वेट, ये विलेज किसने जलाया भाई, द हेल? और मैं सो के उठाऊँ और सुबह भी नहीं हुई भाई, ये हर जगह आग लग रखी है भाई, यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक सिंगल विलेजर था भाई, लिटरली वो मैं समझ गया भाई, वो विलर का ही काम है भाई, यही सब होता है। कोई भी विलेजर नहीं है लिटरली गाइस, आप देख रहे हो कोई भी विलेजर नहीं है, सिर्फ वही एक विलेजर दिख रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे विलेजर गायब हो गए और सिर्फ वो सिंगल विलेजर गायब नहीं हुआ? मेरे को अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके छोड़ो, अभी मेरे को वो विलेजर का पता लगाना पड़ेगा। ओ वेट, ये मेरी स्क्रीन को क्या हुआ, ये ब्लैक कैसे हो गई? हेलो भाई, गया मेरा पीसी, गया भाई, भाई मेरा पीसी गया भाई। 1 lakh = 1 rupee for PC। ओके तो गाइस विलर तो ठीक ही था बट ये वाइट अंडरमैन भाई, आज तक मेरे को लिटरली पता नहीं था कि ये कुछ इस नाम की भी चीज़ है माइनक्राफ्ट के अंदर। बट गाइस जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा फिर मेरे को जाके पता चला कि बट ये दिखने में वाइट है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ लोगों से मैंने ये स्टोरीज भी देखी हैं कि उन लोगों को काफ़ी जगह ये देखो वाइट एंडरमैन दिखा है और भाई कभी कभी गलती से स्पॉन हो जाता है, ये भी मेरे को पता चला है। और गाइस देख रहे हो आप, इस बंदे ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले रखा है कि इसको वाइट एंडरमैन दिखाई दिया भाई, लिटरली कितना क्रीपी दिख रहा है ये। चलो यार हम लोग भी इसको देखते हैं ट्राई करके कि ये रियल है कि ऐसे ही कुछ मजाक वजाक कर रहे हैं ये लोग। ओके तो गाइस जल्दी से हम लोग वर्ड बना के देखते हैं और पर लिख देते हैं व्हाइट एंडरमैन। भाई मेरे को लग तो नहीं रहा होगा ये रियल है बट चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो जल्दी से हम लोग एक नया सा वर्ल्ड बना लेते हैं और जल्दी से क्रिएट करते हैं और पता लगाते हैं कि ये रियल है या बस एक ही रूमर। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर स्पॉन तो हो चुका हूँ भाई, ये नॉर्मल सी टाइगर बायोम दे दी भाई। चलो यार जल्दी से हम लोग को तो अपना काम करना है, यहाँ पर एंडरमैन के स्पॉन एग लेते हैं। ओके ये रहे एंडरमैन के स्पॉन एग, हमें बस थोड़ी सी खाली जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग एंडरमैन स्पॉन कर पाए। ये क्या चीज़ है भाई, ये वाले पत्थर कहाँ से आ गए हैं मौसी वाले? अरे यहाँ पर ओके ओके यहाँ पर बहुत सही जगह है भाई, हाँ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं यार स्पॉन। ओके ओके ये जगह सही रहेगी, यहाँ पर हम लोग स्पॉन कर सकते हैं। रुको रुको यहाँ पर मैं टॉर्च लगा देता हूँ। चलो यार जल्दी से हम लोग, भाई मैं तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ स्पॉन करने के लिए एंडरमैन, बस भाई मेरा लक अच्छा और मेरे को एक वाइट एंडरमैन स्पॉन होके मिल जाएगा जल्दी से। एक एंडरमैन यहाँ पर, अरे नहीं ये तो सिंपल है, रुको बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन कर देता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इतने सारे एंडरमैन स्पॉन कर दिए बट यहाँ पर एक भी वाइट नहीं है। ए वेट, अच्छा मेरे को लगा भाई इसकी आंखें वाइट हैं बट धत तेरी ऐसी जैसी, इसके पास भी कुछ नहीं है भाई, इन लोगों को तो भाई सबको मारो भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर तो मेरे को कोई भी वाइट एंडरमैन नहीं दिख रहा है भाई। ओ वेट, ये क्या है भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने, इतने सारे वाइट एंडरमैन। अच्छा अगर हम लोग एंडरमैन की आंखों से देखते हैं तो भाई सारे एंडरमैन बिल्कुल सफेद दिखाई देते हैं, ये तो लिटरली मेरे को पहली बार पता चला है भाई साहब, देखो कितने सारे। बट यार मेरे को क्या लगता है कि ये जो ये वाले एंडरमैन है ना, इनका कुछ रिलेशन तो जरूर होगा व्हाइट एंडरमैन के साथ, तभी तो भाई ये इनको ऐसे दिखाई देते हैं। ओके तो गाइस आज वाली वीडियो के लिए बस इतनी मिथ काफी है, तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।